आप एक बार शक्ल दिखा दिया करो, आपको देखने में याद आ जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं। देखो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, उन यौगिकों का अध्ययन करेंगे जिनकी त्रिविम व्यवस्था में अंतर होता है। त्रिविम व्यवस्था का अलग अलग होती है, समझ में आ रही है बात? जैसे अपन बना रहे थे समपक्ष हो गया, विपक्ष हो गया, वो सारे यौगिक त्रिविम रसायन विज्ञान में, समझ गए? त्रिविम समावेता को अपन ने दो भागों में बांटा था, विन्यासी समावेता शुरू से समझ ले एक बार, और सदरूपण समावेता। अब ध्यान दे मेरी बात पे, ये विन्यासी समावेता के भी दो प्रकार है, कौन कौन से? ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशिक समावेता। अपन जो कल बात पढ़ रहे थे ना उदाहरण वगैरह ऑक्सीन का, एल्कीन का, वो ज्यामिति के थे सारे, समझ में आ रही है बात ढंग से? ज्यामिति समावेता। अब जो तुमने नवा लेसन पढ़ा है क्या? नवा भी नहीं पढ़ा तुमने, वो तो मैंने दो दो बार पढ़ा दिया, एक बार छोड़ दी। देखो ध्यान दो, सबसे पहले लेते हैं ज्यामिति समावेता। वो जो नवे लेसन में समावेता का प्रकार था ना, वो एलआईसी अर्धन साथ वो भी हट गई है, समावेता हट गई उसमें से। ज्यामिति समावेता क्या कह रहा है, ये बच्चे पता नहीं क्या लिखते हैं, इनको लिखने वालों को ही नहीं पता रहता क्या प्रश्न पूछते। देखो ज्यामिति समावेता के लिए सबसे पहले सुने बेटा आवश्यक शर्तें, दो शर्तें हैं आवश्यक, कौन कौन सी है? पहली तो प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। बताया था अगर ये एग्जाम में ये लाइन मत लिखना कि द्विबंध होना चाहिए, द्विबंध नहीं कह रहा, घूर्णन कैसा होना चाहिए, मुक्त नहीं होना चाहिए, समझ गए? कोई भी यौगिक मुक्त घूर्णन नहीं करना चाहिए, मतलब उसका घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए, समझ गए? दूसरी शर्त सुन ले कि जो यौगिक है उसमें एक ही परमाणु के ऊपर समान समूह उपस्थित नहीं होना चाहिए, चाहे आप कोई भी कंपाउंड ले रहे हो उसमें एक परमाणु, चाहे वो द्विबंध के दोनों तरफ वाले परमाणु हो, चाहे त्रिबंध हो, कोई सा भी परमाणु हो, उसमें एक परमाणु के ऊपर दो समान समूह उपस्थित नहीं होने चाहिए। आगे ना पूरी बात अच्छे से समझ बेटा, समान इसलिए नहीं रहने चाहिए क्योंकि ये तूने द्विबंध बनाया, इधर तूने एक्स, यहाँ तूने एक्स लगा दिया, अब अगर और इधर मान लो तूने यहाँ वाई और यहाँ वाई लगा दिया, अब कैसे बनाएगा इसका संपक्ष विपक्ष बता? संपक्ष विपक्ष कब बनता है? जब समान समूह, ये देख ये समान किसका, इसका समान और इसका समान, या तो एक दूसरे की एक दिशा में हो या विपरीत में हो, अब एक ही परमाणु पे समान लगा हुआ है x अक्ष, इस पे लगा हुआ y, तो कैसे इसका संपक्ष विपक्ष बनाएंगे? संपक्ष विपक्ष का मतलब है एक का जो समान समूह है ना, दूसरे वाले के समान समूह की या तो दिशा में हो या फिर विपरीत दिशा में, जब बनेगा, जब अपन क्या कह देंगे एक परमाणु पे समान समूह मत लगाओ। आगे बात ढंग से समझ में, ठीक है? अब अपन देखो अपने कोर्स में मैंने तुम्हें कल भी बताया था, तीन उदाहरण है जिनके तुम्हें समावयी बनाने सीखने, अगर समावयी सीख गए ना आज उनका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो है अपने गुण, रासायनिक गुण वगैरह है, दलनांक बंधनांक है, रासायनिक क्रियाशीलता है, ये सब पढ़ेंगे। तो देखो समझो कौन कौन से उदाहरण लिए थे अपन ने, एक तो लिया था अपन ने एल्कीन का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कहते हैं एल्कीन, दो प्रकार के समावयी बनेंगे एल्कीन में, यदि समान समूह एक दिशा में होगा तो सिस बन जाएगा और विपरीत दिशा में होगा तो ट्रांस बन जाएगा। जैसे कल आपको मैंने एक उदाहरण में इसका समझाया था कि ये इसको अपन कहते हैं समान समूह एक दिशा में अम्ल का लगा हुआ है तो ये मैलेइक अम्ल कहलाता है। बताया था कल ये मैलेइक अम्ल, मैलेइक अम्ल क्या है? मैलेइक अम्ल जो तुमने बनाया है इसकी अम्लीय समूह का संपक्ष रूप, मतलब जो संपक्ष रूप है उसी को मैलेइक अम्ल कहते हैं। यदि मैं इनको विपरीत दिशा में लगा दूं तो जो विपक्ष रूप बनेगा वो फ्यूमैरिक अम्ल कहलाएगा, समझ गए? ये नाम याद रखें क्योंकि कई बार बोर्ड में क्वेश्चन दे देता है कि मैलेइक अम्ल और फ्यूमैरिक अम्ल की संरचना बनाई, तो तब पता होगा जब तुम्हें ये ध्यान है कि संपक्ष रूप को मैलेइक और विपक्ष रूप को अपन फ्यूमैरिक अम्ल कहते हैं। आगे बार ढंग से समझ में। फिर उसके बाद एल्कीन के बाद कल आपको समझाया था ऑक्सीन में, ये समझो अच्छे से ऑक्सीन के अंदर कैसे समावयी बनेंगे। बेटा ऑक्सीन कहते किसको है? ऑक्सीन जब अपन कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं, कार्बोनिल यौगिक हो गया सी डबल बॉन्ड, फिर आ गया NH2OH, इसकी अभिक्रिया करवाई यहां से H2O रिली
जाएगा, आ जाएगा सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, इसी को कहते हैं ऑक्सिड। अरे ये जो और स्टूडेंट ये जुड़ के क्लास ले रहे हैं, ये अपने माइक को क्यों ऑन कर रखा है भाई तुमने? आपस में बातें कर रहे हैं क्या? आपस में डिस्कशन कर रहे हैं? ये सारे लिख रहे हैं ना मैसेज, करो म्यूट करो, घुस करके अंदर एक ना गला दबा के टप्पर मारा टीवी में लगाओगे। और बैठे हुए और डिस्टर्ब करते हैं, ध्यान दो। देखो ऑक्सीम ले ली तुमने, अब इस ऑक्सीम के अंदर किसको कहते हैं ऑक्सीम? सी डबल बॉन्ड है, इसमें यू की नहीं। देखो सी डबल बॉन्ड है, एक दूसरा बाथरूम में अगला जाओ, उस क्लास फटाफट उठा ला, बात कर दी उस रूम में जाकर, इंक या मार्कर दोनों में से जो भी मिले उठा ला। नहीं आप लोग कुछ मुझे लेके अब इससे समाई बनाना सीखो। मैंने कल बताया था ऑक्सीम में संपर्क रूप बनाएंगे, उसका नाम सिन होगा, संपर्क नहीं कहेंगे उसको सिन कहेंगे, और जो विभाजक होगा उसको क्या कहेंगे? एंटी। आ गई बात समझ में? इसमें अपन बनाएंगे बेटा सिन और एंटी। तो देखो सिन और एंटी का, इस ओएच का मुंह देखना, इस कार्बन की दो संयोजकताओं पर अलग अलग समूह जुड़ा हुआ होगा, ये तो हमने शर्ती पढ़ ली थी दुनिया से की, कि समूह कभी समान नहीं होगा, अलग अलग होंगे। यदि छोटा जो समूह है जिसका आकार छोटा है, यदि वो किसकी दिशा में लगा हुआ है? OH की दिशा में, जब तो आपका कौन सा रूप बनेगा? सिन। संपर्क नहीं रहेंगे, संपर्क सिर्फ एल्डिहाइड में नाम होंगे, एलिसाइक्लिक में नाम होंगे, ऑक्सीम में तो सिन और एंटी नाम होगा। तो यदि OH की दिशा के अंदर लगा हुआ है छोटा समूह, जब तो नाम हो जाएगा सिन, और यदि OH से आगे, हाँ बोलो, पर मैंने कोई नियम नहीं रखा था तुम्हारे लिए। क्या कह रहा है? कल से तो क्या है, बाहर खड़ा हो जा, अपने बैठ दे, तुम्हें पता है ना नियम की, तुम्हें बहुत पाप। अरे रख दे उसको यही, चल बाहर खड़ा ना, बाहर बैठ के क्लास लो दोनों एक दिन। ये तू आज ही आया क्या? तू तो आज अंदर चल, देर को नियम का पता नहीं था, उसको जाने दे बाहर। ये और कह रहा है आज तो कल से जल्दी आया हूँ, बहुत जैसे एहसान किया आज तो। कल से जल्दी हो रहा है बेचारा, 8 बजे आया है। हाँ भाई अब देखो ध्यान दो, उदाहरण कोई भी कर लो, बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, देखो ध्यान से समझे। एंड यहाँ लगा दिया ओए, सपोज करो एक तरफ एच है एक तरफ मैथिल है, समझ गए कौन सा रूप है बेटा? सिन। ओएच को घुमाना है, कभी उस ऊपर वाले हाइड्रोजन को मत घुमा देना, कहीं तुम्हें इसका कहे एंटी ग्रुप बनाओ, और यदि तुमने एंटी इसका ये बना दिया और कह दो कि मैडम अभी भी तो विपरीत दिशा में लगा हुआ है, गलत हो जाएगा बिल्कुल। कारण घूमता कौन है? ओएच घूमता है ऊपर, कार्बन से जुड़े हुए समूह नहीं घूमते, समझ गए? परिभाषा ही अपनी ये कहती है कि ओएच की दिशा बदल जाती है। ये OH क्या होगा? जैसे इधर लगा हुआ है H की दिशा में, अब उस H से क्या होगा? विपरीत दिशा में लगेगा। आगे बार अच्छे से समझ में, जैसे एक उदाहरण देखो मैं बुक का करवा दूं, पेज नंबर देखो बेटा 352 के ऊपर ध्यान दो, पेज नंबर 352 पे देखो, तू भी आज ही आया क्या? कल आया था, फिर तेरे बात नहीं समझ में आई थी कल मैंने कहा था। अच्छा जब मैंने कहा था उससे पहले तो आया ही नहीं था, इनसे पूछ लेता कुछ की कोई शिक्षा की बात कही थी क्या मैडम ने? आई फालतू बात पूछ लो, वो तो तुरंत पूछ लेगा। चल बैठ जा, आ जा आ जा, तो पता नहीं था ना, आ जा तो बैठ जा, ये उठा यहाँ से, उसको ले जा पीछे। देखो ये एग्जांपल करके दिखा दे, सी डबल बॉन्ड है, ध्यान दो बुक में आराम से समझ में आएगा। हाँ भाई एक तरफ एच लगा हुआ है एक तरफ एनी लगा हुआ है, कौन सा रूप है ये? सी। समझ गए? कार्बन की संख्या के आधार पे आकार का पता चल जाएगा, एक तरफ मैथिल लगा हुआ है एक तरफ एथिल लगा हुआ है, किसका बड़ा हुआ है? एथिल का हुआ। एक तरफ सपोज करो एक तरफ मैंने फ्लोरो लगा दिया एक तरफ मैंने फ्लोरो लगा दिया, अब पूछा तुम्हें बताओ कौन सा रूप है? सिन। समझ गए? क्योंकि फ्लोरो और क्लोरो में बेटा आकार बड़ा किसका होता है?
फ्लोरो का आकार छोटा होता है, पता है इस बात, बर्फ में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बड़ा होता जाता है, समझ गए? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आकार क्या होता जाता है, छोटा होता है। समझ में आ गई बिल्कुल बात? ये ऑक्सीम के अंदर समावेदा खत्म। अब तीसरी समावेदा चलती है अपनी एलिसाइक्लिक में। ध्यान दो, एलिसाइक्लिक क्या होता है? एलिसाइक्लिक में बताया था कोई द्विबंध नहीं होता है घूर्णन को रोकने के लिए, परंतु मुक्त घूर्णन फिर भी नहीं हो पाता क्योंकि इसका प्रथम सिरा अंतिम सिरे से जुड़ा हुआ होता है हमेशा। समझ में आ रही है बात? जब प्रथम सिरा अंतिम सिरे से जुड़ा हुआ होगा ना, तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं है किसी भी हालत। मुक्त घूर्णन जब हो सकता है जब प्रथम और अंतिम सिरा बिल्कुल खुले हुए रहे, जब वो आसानी से घूम सकता है। ठीक है, सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन, फिर है साइक्लोब्यूटेन, फिर है साइक्लोपेंटेन। एक ही बात समझाऊंगी, तीनों उदाहरण समझ में आ गए। देखो साइक्लोप्रोपेन, जहां तुम्हारी इच्छा है, चाहे एक दो तीन, चाहे एक दो पे समूह जोड़ दो, चाहे दो तीन पे जोड़ दो, चाहे एक तीन पे जोड़ दो, कोई भी पास वाली स्थिति, तीनों ही पास वाली है एक दूसरे की। जैसे मैंने यहाँ लगा के एक यहाँ लगाओगे, जब भी समावयवी बन जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कहीं भी लगा, हमेशा स्थिति दो पास वाली आएगी साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन में हमेशा विपरीत दिशा में समूह लगाए, जैसे ये कार्बन और ये ले सकते हो विपरीत दिशा में। क्यों लगाते हैं विपरीत दिशा में? क्योंकि बेटा इसके अंदर अधिकतम दूरी बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें तो दो स्थितियां सदैव पास ही आएंगी हमेशा, चाहे एक दो ले लो, चाहे दो तीन ले लो, चाहे एक तीन ले लो, पास में होगी हमेशा। परंतु साइक्लोब्यूटेन में अपन प्रतिकर्षण को कम करने के लिए समूहों को सदैव क्या लगाएंगे? विपरीत दिशा में लगाएंगे, चाहे इन दो पे लगा दो, चाहे तो एक और तीन पे लगा दो, चाहे दो और चार पे लगा दो। आगे बात अच्छे समझ में, ठीक है? अब आ जाओ साइक्लोपेंटेन में। साइक्लोपेंटेन में जब तुम समावयवी बनाओगे, तो जो आधार का काम कर रही है, ये आधार इसका, उस वाली लाइन के ऊपर आपको समावयवी बनाने, वहां पर आपको कोई भी समूह लगाने। समझ में आगे बात? क्योंकि ये जो है ना, ये तो हवा में है सारे घूम जाएंगे, ये तो, ये जो आधार बना रहा है ना, ये वाली लाइन, मतलब कौन सी स्थिति है ये? ये है एक नंबर और पांच नंबर। इस स्थिति के ऊपर अपन समूह जोड़ेंगे, अधिकतम दूरी भी हो जाएगी एक नंबर से लेकर के पांच नंबर। आगे की बात अच्छे समझ, बस अब उदाहरण करना है। इसमें वो का हुई है समान समूह, समान दिशा तो समपक्ष, विपरीत दिशा तो विपक्ष। जैसे देखो मैंने उदाहरण दिया, यहाँ सपोज करो एच लगा दिया, यहाँ सी एच थ्री, यहाँ भी मैंने सी एच थ्री लगा दिया, यहाँ एच, कौन सा रूप है? दिख रहा है साफ, दिख रहा है विपक्ष? आगे बार ढंग से समझ में, ये हो गया विपक्ष। अरे शर्ते तो अभी भी वही है ना, तो इसका मुक्त घूर्णन संभव है और ना ही एक परमाणु के ऊपर समान समूह है। समझ गए? ये नहीं मैथिल मैथिल एक तरफ लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ लगा दो, ऐसा नहीं होगा। समझ गए? इसका समपक्ष बना सकते हैं, क्या जोर आता है? इसी एस थ्री को नीचे कर दो, एक को घुमा दो, एक को स्थिर रख लो। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ साइक्लोब्यूटेन का बनाना हो तो, ये तो साइक्लोब्यूटेन, हाँ भाई कौन सा रूप है ये? संपक्ष है विपक्ष? संपक्ष, दिख रहा है? दोनों मैथिल एक ही दिशा में ऊपर की तरफ, दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में नीचे की तरफ। समझ गए? इसका विपक्ष कैसे बनाएंगे? एक इसको स्थिर रख लो, किसी को भी इसको घुमा दो, एच को ऊपर ले जाओ, सी एच थ्री को नीचे ले जाओ। आगे बात अच्छे समझ में, ये रहा इसका समपक्ष और विपक्ष। यहाँ ले लिया मैंने सी एच थ्री, यहाँ सी एच थ्री, यहाँ सपोज करो एच, यहाँ लगा दिया एच, तो इसका कौन सा रूप बन गया? समपक्ष रूप बन गया साइक्लोपेंटेन। आगे बात अच्छे से, इस रूप में भी बना सकते हैं, इसमें कुछ तिरछापन भी दिया हुआ है। क्यों क्यों दिया हुआ है संरचनाओं में तिरछापन? क्योंकि बेटा ये त्रिविम संरचनाएं हैं। समझ में आ रही है? 3D में बनती है ये, अपन जो बना रहे हैं 3D थोड़ी, ठीक है 3D बनाने के कुछ इस तरीके से भी इसकी डायरेक्शन को अपन बना सकते हैं। ये देखो ये बन गई साइक्लोब्यूटेन, दिख रही है? अब देखो ये सिरे अपन यहाँ लगा देंगे, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ एच, यहाँ एच। आगे बात अच्छे समझ में, देखो इस तरीके से भी बना सकते, ठीक है? तीनों उदाहरण देखो बुक में, समझ में आ रहे नहीं आ रहे? देखो समपक्ष विपक्ष सब आ गए समझ में। पेज नंबर देखो 352 पे है, आपको ऐसा कोई डाउट किसी में भी, कहते मैडम ये ब्यूटेन हमें कुछ अलग नजर, डिजाइन की नजर आ रही है,
ये देखो ऐसी डिजाइन दिख रही है तुम्हें, इसकी ब्यूटेन साइक्लोप्टेन ऐसे भी बना सकते हैं एग्जाम में, कोई गलत नहीं है। बस वो फर्क ये है कि थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल बनाने के लिए इसको तिरछा बना दिया, ताकि भूमि जो है ना अपने को अधिकतम दिखे। ये चीज दिमाग में बिठा ले, साइक्लोब्यूटेन में विपरीत दिशा में जोड़ेंगे, चाहे तो 1-4 पे जोड़ दो, चाहे दो 1-3 पे जोड़ दो, चाहे 2-4 पास वाली स्थिति पे यदि समूह लगा दिया ना, 0 नंबर मिलेगा समूह पर। कारण क्योंकि अपने को ऐसे समावयवी बनाने हैं जिनके अंदर प्रतिकर्षण की संभावना क्या हो, कम हो। और प्रतिकर्षण तभी कम हो सकता है जब दूरी क्या होनी चाहिए, अधिकतम। समझ गए? इसमें तो संभावना ही नहीं थी, कहीं भी लगा दो स्थितियां सदैव पास आती, और इसमें संभावना है साइक्लोब्यूटेन में, आराम से विपरीत दिशा में जोड़ सकते हैं कोई भी दो विपरीत कोणों। इसमें 1 और 5 स्थिति पे जुड़ेगा, नहीं पता तो ये बुक में ये चीजें लिख लिया करो। साइक्लोब्यूटेन में या तो 1-4 पे, 1-3 पे या फिर 2-4 पे, और साइक्लोपेंटेन में 1 और 5 पे जोड़ना है। समझ गए? ये तो नाम है इसका आईपीएसी, 1-2 डाइमेथिल, ये तो आईपीएसी नाम है बेटा। इस नीचे वाले का है साइक्लोपेंटेन, इसका हो गया 1-3 डाइक्लोसाइक्लोपेंटेन। ये साइन नहीं है, ये दिशा बता रहा है, दिशा निर्देश। देखो पेज नंबर 352 पे देखो, साइक्लोप्रोपेन के साइन के अंदर कुछ इस तरीके से लगा हुआ है ना, ये दिशा निर्देशित कर रहा है कि यहाँ समूह जुड़ा हुआ है एच और मैथिल। उसमें भी देखो सेकंड में भी इस तरीके से लगा के बनाया हुआ कि इस स्थिति के ऊपर आपको समूह लगाना, नीचे लगाता तो यहाँ शो कर देता, यहाँ लगाता, ठीक है। आगे तीनों बातें समझ में। अब आ जाओ महत्वपूर्ण, अब कान के और दिमाग के दोनों पर्दे बिल्कुल खुले होने चाहिए। कान का एक हिस्सा जो है ना वो बंद होना चाहिए, कारण दोनों इससे खुले होंगे तो इधर से सुनोगे तो इधर से पास हो जाएगा सीधा, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक हिस्सा खुला रहे अच्छे से, दूसरा हिस्सा सीधा दिमाग से कनेक्ट होना चाहिए। समझ रहे? जब भी समझ में आएगी जो दुनियादारी में दिमाग चल रहा है ना, उसको हटा दे 10 मिनट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी पूरी चिंता है दुनिया की। तो ध्यान देंगे, अब अपन पढ़ेंगे गुण। जो अपन ज्यामिति समावयवता पढ़ रहे हैं उनके 4 गुण अपने कोर्स में, गुण उसी को समझ में आएंगे जिसको संरचनाएं आपके बनाना। संरचना बहुत सरल है, गुण कौन कौन से। पहला गुण है द्वि ध्रुव आघूर्ण। मेरी बात ढंग से समझ लेना, पोर्ट द क्वेश्चन इनमें से आता है, गुणों में से। वो इतना सरल भी नहीं आएगा कि तुम्हें एक रूप बना के कहते इसका विपक्ष बनाओ, कोई बना देगा उसका विपक्ष, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरी बात है गलना वंदना। अरे बात समझ में, एमपी और बीपी बोलते हैं जिसको, गलना वंदना। तीसरी बात है रासायनिक क्रियाशीलता। चौथी बात है मेरी हाइड्रोजन बंध। और ये 4 होते हैं अपनी ज्यामिति समावयवता समाप्त। समझ गए? इतनी छोटी सी है देख लो ज्यामिति समावयवता। सबसे पहला बात ध्यान से समझे, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको अपन न्यू कहते हैं। हाँ भी सबसे पहले बात करूं समपक्ष, उदाहरण इस तरीके से लिख लिए मैंने, ये लगा दिया ए यहाँ बी यहाँ बी, ठीक है। और इधर देखो, हाँ बेटा पूछना है कुछ। देखो दूसरी बात देखे मेरी, विपक्ष बना लिया इसका, ये सी ये ए यहाँ बी यहाँ बी, ये विपक्ष हो गया बेटा। द्विध्रुव आघूर्ण ध्यान देंगे, जब समान समूह, मैंने क्या कहा विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। कोई कारण बता सकता है क्यों होगा 0? क्योंकि इसमें समान समूह कौन सी दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में। तो एक समूह यदि कुछ द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आगे बात अच्छे समझ में। इस तरीके से मान लो ए नाम का कोई परमाणु है, उसके दोनों तरफ दोनों दिशा के अंदर 2 परमाणु लगा दिए मैंने, एक्स और वाई या एक्स और एक्स, समान समूह लगाए। आदत खराब है इनकी बहुत ज्यादा, और इसे भी और करेक्टर से को आज जल्दी आए हूँ। फिर भी कह रहा है कल तो 5 मिनट जल्दी आ गया, मतलब कल 8:45 आया था तो आज थोड़ा और जल्दी आ गया, 7:10 पे आया।
तो देखो इधर भी x इधर भी x, तो बेटा दोनों समान समूह की प्रकृति एक जैसी है, दोनों ही x है। तो ये क्या करेगा, ये अगर क्या करेगा कुछ भी इसको देने की कोशिश करेगा, ये विपरीत दिशा में होने के कारण उसको क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। हमेशा ध्यान रखे विपक्ष समूह, विपक्ष के अंदर समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अभी बात ढंग से समझ में ठीक है, इसीलिए विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण सदैव कितना होगा, जीरो, समझ गए। लेकिन समपक्ष का जीरो हो सकता है क्या, क्योंकि समपक्ष दोनों की एक ही राय है, कुछ ना कुछ। देखो जो हमेशा झगड़ा करते हैं, इनकी प्रकृति तो झगड़ा करने की है, एक दूसरे के हमेशा विपक्ष में चलेंगे, एक पूर्व में जाएगा तो दूसरा पश्चिम में रहेगा, लेकिन ये दोनों एकता के साथ काम करेंगे, एक ही दिशा में कुछ ना कुछ इकट्ठा करने का कार्य कर रहे हैं। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण जो ध्रुवता उत्पन्न ये करेंगे वो एक ही दिशा में होने के कारण इसके म्यू का मान शून्य नहीं होगा। समझ में आ गई बात, विपक्ष समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण एक समूह के द्वारा यदि कुछ आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है तो दूसरा समूह विपरीत होने की स्थिति में उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसी कारण विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण सदैव जीरो होता है, परंतु समपक्ष का समान दिशा में होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होता। समझ गए इतनी बात। अच्छा जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल इसकी जगह मैंने लिख दिया, अब ए बराबर यहाँ मान लो कोई भी समूह मैंने लगा दिया, जैसे कि ये यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ एच, यहाँ एच, तुम लिख दोगे म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू का मान जीरो नहीं है इसके लिए। और यदि यही चीज अगर मैं इधर लगा दूं, ये देखो यहाँ लगा दिया सी एस थ्री, यहाँ लगा दिया सी एस थ्री एच, और यहाँ एच, और इसलिए ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अब और सुनो अभी और ध्यान दो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये भी समपक्ष है ये विपक्ष है, और मैंने इतना सा परिवर्तन कर दिया, देखो यहाँ एच था, यहाँ एच था, यहाँ सी एस थ्री, और यहाँ सपोज करो सी एल लगा दिया, वो कौन सा रूप है, विपक्ष है वो। लेकिन अब की बार इसका द्विध्रुव आघूर्ण समपक्ष से भी ज्यादा है, पहले जीरो हुआ करता था, मैंने यही कहा है कि विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण सदैव क्या होगा, जीरो। परंतु इस बात पे कहीं पे ध्यान दो बेटा, जो समूह तुमने जोड़ रखे हैं उनका प्रभाव एक जैसा होना चाहिए। एक जैसे का मतलब या तो दोनों दाता होने चाहिए या दोनों ही ग्राही होने चाहिए, समझ गए। ये देखो ये कुछ ना कुछ इसको देगा, दाता है, इसकी प्रकृति दाता है, मिथाइल मिथिल ग्रुप प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और ये इसको देगा, समझ में आ रहा। दोनों विपरीत दिशा में, ये इसका आर्बस में इकट्ठा करेगा, ये इस कार्बन पे, दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण दोनों कार्बन पे जो भी धन इकट्ठा हुआ वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समझ गए। दोनों की प्रकृति दाता जी, परंतु अब देखना इधर इसकी प्रकृति क्या है, दाता है, और दाता प्रकृति पहचाननी तो आती है क्या तुम्हें। हमेशा ध्यान करके जिस परमाणु को तुम दे रहे हो इलेक्ट्रॉन उससे जुड़ा हुआ परमाणु देखे, या तो उसके बराबर विद्युत ऋणी होना चाहिए या उससे कम विद्युत ऋणी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। ये मैथिल कार्बन कार्बन का ही भाई है, दोनों की प्रकृति इसकी प्रकृति दाता हो जाएगी। जो मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, जो एल्किल समूह होते हैं उनकी प्रकृति दाता ही होती है। यदि इससे अधिक विद्युत ऋणी लगा दूं मैं, जैसे कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, फ्लोरीन होते हैं, जो हैलाइड होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो सब कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी, जो कार्बन के बाहर आते हैं वो, अगर वो तुमने यहाँ लगा दिए ना तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, खींचेंगे। समझ में आ गई बात। तो देखो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो दूसरी दिशा में देखो क्या लगा हुआ है, Cl, इसका प्रभाव क्या होगा बेटा, माइनस आई प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, खींच रहा है। तो हुआ क्या, कहां कैंसिल हुए बताओ, एक ही दिशा में दोनों होते तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते। अब की बार तो हुआ क्या है, इसने दिया यहां जो इकट्ठा हुआ उसको इस नीचे वाले ने अपनी ओर खींच लिया। समझ में आ गई बात। एक दूसरे के ऊपर होता जब कैंसिल हो जाते हैं, जबकि अब की बार तो सप्लाई हो रही है उल्टी ज्यादा। द्विध्रुव आघूर्ण जो यहाँ इकट्ठा हुआ था वो इस कार्बन के थ्रू सीएल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है,
इसीलिए विपक्ष में यदि विपरीत प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हो, ध्यान दो, विपक्ष रूप में यदि विपरीत प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए होंगे तो उसके दुर्गुण का मान संपक से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तुम्हें इन द्विदुर्वागुण के जो मान दिए हुए हैं वो प्रायोगिक मान है किताब में, नहीं तुम उसको रटने बैठ जाओ 1.732 मिल दिया हुआ है और इसका 2.34 मिल दिया, ये याद नहीं करने है। तुम्हें तो केवल कारण याद करना है कि इससे अधिक क्यों होता है, इससे कम क्यों होता है। विपक्ष का द्विदुर्वागुण तब जीरो होगा जब उसपे समान प्रभाव वाले समूह जुड़े हो। समान प्रभाव का मतलब या तो दोनों दाता हो या दोनों ही क्या हो, ग्राही हो। समझ गए? अगर मैं इस यहाँ CH3 की जगह CL लगा देती ना तो अब म्यू का मान कितना हो जाता, जीरो। समझ गए? परंतु यदि विपरीत प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं तो विपक्ष का द्विध्रुवागुण संपक से भी क्या होगा, जाता होगा। समझ में आ गया नियम नंबर 1? दोबारा सुन ले, द्विध्रुवागुण क्या कहता है कि विपक्ष का द्विध्रुवागुण समान समूह जुड़े होने पर सदैव जीरो होता है, ठीक है? संपक्ष का द्विध्रुवागुण कभी शून्य नहीं होता। समझ गए? यदि विपरीत प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हो तो विपक्ष का द्विध्रुवागुण संपक से भी क्या होता है, ज्यादा। समझ गए ना अच्छे से? ठीक है, अब उदाहरण देखो अपनी बुक में, बुक खोल के रखा करो सभी, पेज नंबर देखो बेटा 353 पे जो थ्योरी लिखी हुई है ना वो तो सारी बात सही लिखी हुई है। अभी मैं एक चीज सही करवा दूं, इसके अंदर एक बात गलत भी छपी हुई है, ये म्यू जीरो वो म्यू जीरो, तुम्हें दिख रहा है क्या ऊपर वाले दोनों उदाहरण में म्यू जीरो लिखा हुआ है, लेकिन ये थ्योरी में एक लाइन देखो सामान्यता लिख रहा है, वहां दिख रहा है तुम्हें पेज नंबर 353 पे, संपक्ष का द्विध्रुवागुण नहीं होता। वो बात संपक्ष की जगह विपक्ष लिखो, किसका द्विध्रुवागुण नहीं होता, विपक्ष का नहीं होता। कारण तो इसने सही लिख रखा है कि विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को, द्विध्रुवागुण को नष्ट कर देते हैं। समझ गए? पर वो संपक्ष नहीं है लाइन, वहां लाइन है विपक्ष। समझ में आ गई बात? हाँ, विकास कह रहा है मैडम डी क्या होता है, कहाँ लिखा हुआ है डी? बेटा ये यूनिट है इसकी, जैसे तुमने बी बोर मैग्नेटॉन डाइपोल मोमेंट ले दी, ये इसकी मात्रक है। समझ में आ रही है बात? ये द्विध्रुवागुण के लिए मात्रक है, डी हुआ बी एम हुआ, ये इसके मात्रक है। समझ गए? म्यू के लिए आप ध्यान दो, दोनों उदाहरण समझ में आ गए क्या सभी को? अब नीचे वाला उदाहरण देखो, पेज नंबर 353 पे जो सबसे नीचे उदाहरण लिखा हुआ है देखो, उसमें मैथिल तो देने का काम कर रहा है, ये तीर के निशान का मतलब समझते हैं, ये तीर का निशान इधर जा रहा है, देखो अगर ये खींच लेगा तो उसकी तरफ चला जाएगा, ये खींच रहा है दोनों सीएल तो इस तरफ आ गए, दोनों का कार्य खींचने का ही है, माइनस आई प्रभाव डाल रहे हैं तो म्यू का मान जी। यदि यहाँ एक तरफ मैंने लगा दिया CH3, अब बदल जाएगा निशान, मैथिल का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता का, दाता है ये वो ग्राही है, तो मतलब हाँ बेटा तो फ्लोरिन क्लोरिन दोनों ही ग्राही है, जीरो उस स्थिति के अंदर दोनों का कार्य समान है। अगर सपोज कर यहाँ पर मैंने F लगा दिया, यहाँ मैंने CI लगा दिया, कार्य दोनों का ही एक, मतलब दोनों ही क्या है, समान प्रभाव वाले समूह। मैंने समान प्रभाव का है, समान समूह नहीं। यदि समान प्रभाव वाले समूह लगा दिए, चाहे तो दोनों दाता लगा दिए या दोनों ग्राही लगा दिए, जब सदैव म्यू का मान जीरो होगा। समझ गए अच्छे से? ठीक है, दोनों तीनों उदाहरण समझ में आ गए जो बुक में लिखे हुए, ठीक है। ये लेसन बहुत सरल है, इसमें चार नंबर आना कोई मुश्किल बात नहीं, तीन तो अभी तीन का है ये लेसन, अब देखा जाए तुम्हें नए सिलेबस में तो तीन नंबर मतलब तुम्हें पास होने के लिए 13 नंबर का जुगाड़ लगाना है। अब उस 13 में से तीन तो लाओ कम से कम, ठीक है, तुम पास होने की कोशिश तो करो। 100 में से 100 कोई है ऐसा स्टूडेंट जो ईमानदारी से कह सकता है मैडम मैं 100 में से 100 ले आऊंगा? विश्वास होना चाहिए, देख उसका आदर करोगे। जैसे पिछली बार हमने वो राजावत जो इसी क्लास में बैठता था, सौरभ सिंह राजावत, केमिस्ट्री में 100 में से 100 आए उसके साल, वो तो हर बार ये कहता था 100 में से 100 लाऊंगा, और स्थिति वास्तव में ऐसी नहीं थी कि ले आएगा 100 में, तो मुझे तो ज्यादा तो विश्वास नहीं, पर बोला मैडम मैं 100 में से 100 ला करके ही दिखाऊंगा आपको, केमिस्ट्री में आए उसके मैथ में भी 100 में 100 नहीं,
सिर्फ केमिस्ट्री में, बाकी फिजिक्स में परसेंटेज तो फिर भी उसके 87% पर पांचों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में बंदे ने अपनी कई भी बात को सच साबित करके दिखा दिया कि 100 नंबर लाग के दिखा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जब पढ़ता था ना तो पास में आके छुट्टी भी काट दो ना उसको पता नहीं चले, इतना ध्यान पूरा बोर्ड। और ये नहीं है कोई बहुत ज्यादा, और सब्जेक्ट में भी नंबर बढ़िया ही है, और पूरे में से पूरे नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात है, 100% बनाना। 99 भी है कई बच्चों के, 3-4 बच्चे ऐसे जिनके 99 नंबर भी है, पर ये चीज ध्यान रखो तुम तैयारी 100 की करोगे ना जब 95 से ऊपर नंबर आएंगे, और तैयारी 100 में से भी इतनी जबरदस्त तैयारी तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं बेटा, ये बात नहीं है। तैयारी पे डिपेंड करता है, और तैयारी का मतलब एक भी डाउट है ना दिमाग में नहीं रहना चाहिए किसी हालत में, समझ गए? हाँ भाई, पहला गुण आ गया समझ में, द्वि ध्रुव आर्गुण, ऐसा कोई बच्चा है जिसको द्वि ध्रुव आर्गुण में समस्या है? नहीं है। क्या बेटा? ऑक्सीमा के अंदर भी बिल्कुल हो सकता है, सेम स्थिति है, लेकिन अभी अपने जो सिर्फ और सिर्फ 3 ही उदाहरण अपन ने पढ़े ना कोर्स में, कौन कौन से उदाहरण थे अपने? एल्कीन, ऑक्सीन, एलिसाइक्लिन, उनमें केवल जो ये 4 गुण अपन पढ़ रहे हैं वो अपने कोर्स में केवल एल्कीन के लिए, अपने जो सिलेबस में 12वीं के वो केवल ये 4 गुण एल्कीन के लिए, समझ में आने बात? बाकी ऑक्सीन के लिए उनके लिए नहीं। ऑक्सीन के लिए वो तो किस शर्त को की हुई हो, कुछ भी अलग नहीं हो, समझ गए? एलिसाइक्लिन के लिए ये केस है, ठीक है। दूसरे गुण में आ जाओ जिसे अपन बोलेंगे गलनांक और पंथनांक, एमपी और बीपी। हाँ भाई, आप ध्यान दे, वही बात आ जाती है, तुमने कहा था सम पक्ष का म्यू 0 नहीं होता और विपक्ष का म्यू 0 होता है, किसके लिए? समान प्रभाव वाले समूह के लिए, यही स्थिति थी ना। अब इसका विपरीत कर दो, बिल्कुल उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होगा गलनांक पंथनांक म्यू का, एक लाइन कहते हैं पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। म्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है गलनांक पंथनांक, क्यों होता है वो कारण अभी तुम्हें पता चलेगा, देखो ये बात ध्यान दो, ए और ये बी और ये बी, समपक्ष और ये लगा दिया मैंने विपक्ष। हाँ बेटा समझे सभी, गलनांक और पंथनांक के मान मैंने तुम्हें बहुत बार उदाहरण दिया है, जब कोई गलनांक का मतलब तो होता है वह ताप जिसपे कोई वस्तु गल जाए पिघल जाए वो तापमान का बिंदु गलनांक है, और पंथनांक वह ताप का बिंदु होता है जिसपे कोई वस्तु उबलना चालू हो जाए, समझ गए? तो ध्यान दो मैंने क्या किया, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, मैंने अभी पूछा बेटा एक तो ये मार्कर है और एक ये बोर्ड है, तो बताओ गलाने के लिए उबालने के लिए ज्यादा तापमान बोर्ड को चाहिएगा कि इस मार्कर को चाहिए? बोर्ड। तुम कहोगे बोर्ड को, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि जब आकार बड़ा होता है तो गलनांक पंथनांक के मान ज्यादा होते हैं, समझ में आ रही है बात? अब इसमें आते हैं समपक्ष और विपक्ष में, देखो और एक चीज ध्यान दो, जैसे मैं बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा अणु इकट्ठे कर दूं, अभी मार्करों की संख्या बहुत ज्यादा कर दूं और एक डस्टर कर दूं, फिर मैं तुम जो मेरे पास एक डस्टर है मार्कर 4 है, तुम कहोगे मैडम 4 मार्कर को गलाने के लिए उबालने के लिए ज्यादा चाहिए तापमान, समझ गए? अब बताओ मुझे संपक्ष, संपक्ष में समान समूह एक ही दिशा में हो, समझ गए? तो एक ही पक्ष में होने के कारण या तो इकट्ठा करेंगे कुछ ना कुछ या कुछ ना कुछ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों का कार्य सदैव क्या होगा एक ही दिशा में होगा, समझ गए? जैसे देखो ये दोनों, तो अब यहाँ जितना ज्यादा प्रभाव इकट्ठा करेंगे ताकत उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी, आ रही बात अच्छे समझ में? एक ही दिशा में, जबकि ये तो क्या है विपरीत दिशा में होने के कारण वैसे ही एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, वैसे ही खत्म कर रहे हैं, समझ में आई बात? तो खत्म करने की वजह से इनकी ताकत क्या हो जाएगी कमजोर हो जाएगी, आई बात समझ? जैसे देखो ये तो किस तरीके के, ये तो एक ही दिशा में खड़े होने के कारण इनका बल बढ़ गया, समझ में आ गई बात? जैसे अभी मैं कह दूं कि ये इस तरीके के थे दोनों लड़कों को मैंने विपरीत दिशा में खड़ा कर दिया, और फिर उन दोनों को विपरीत दिशा में खड़ा करने के बाद तुम कहोगे मैडम अब इनमें दोनों में कोई ताकत नहीं, दोनों एक दूसरे के विपक्ष में है, समझ गए? और वो ही अगर दोनों मित्रता कर ले तो बल उन दो लड़कों का क्या होगा बढ़ जाएगा, समझ में आई बात? आ रही है ढंग से समझ?